हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीएच अप्रैल के बारे में। देखिए, डीएच अप्रैल के शेयर में आज भी एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है और ये जो गिरावट है वो एक्सपेक्टेड थी कि ये गिरावट आने ही वाली है, क्योंकि उनकी जो प्रमोटर्स को है उनको अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा। तो डेफिनेटली इस गिरावट की उम्मीद की जा रही थी और शेयर अभी और नीचे जाएगा कि नहीं उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और तो और आखिर पूरा का पूरा माजरा क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली शुरुआत हम करते हैं डीएचएफएल की प्राइस से। तो आप देख सकते हैं कि 13 रुपए के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। आप खुद सोचिए कि 650 रुपए पर ट्रेड करने वाला शेयर आज 13 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वो भी 1.5 साल से भी कम वक्त में। पिछले एक महीने में भी अगर हम बात करेंगे तो डीएचएफएल पिछले एक महीने में 21% से ज्यादा की गिरावट आप खुद देख सकते हैं। 3 साल की अगर हम बात करेंगे तो 3 साल में डीएचएफएल 95% तक टूटा है। आप देखिए, 675 से 680 रुपए के ऊपर ट्रेड हुआ करता था 2018 में 8वें महीने में, और उसके बाद जो गिरावट आई है शेयर को संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जब किसी शेयर में घोटाले की खबर निकल कर आती है तो क्या हाल होता है उसका। यहां पर आप देखिए जो खबर निकल कर आई है डीएचएफएल की, तो देखिए डीएचएफएल की शेयर आज में 5% की गिरावट है, क्योंकि ईडी अलीज ₹12,773 करोड़ फ्रॉड। तो देखिए ईडी ने 12,700 करोड़ के फ्रॉड में इनकी मतलब इनको गिरफ्तार किया है। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से है कि थर्सडे अर्ली ट्रेड आफ्टर रिपोर्ट दैट फॉर्मर डीएचएफएल सीएमडी कपिल वाधवन शिप्ड ऑफ ₹12,773 करोड़ बैंक मनी विद द हेल्प ऑफ 79 शेडो एंटिटी एंड 1 लाख फैक्चुअल कस्टमर्स। तो देखिए यहाँ पर 12,700, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 12,800 करोड़ रुपए का इन्होंने गबन किया हुआ है। उन्होंने खुद ही एक शेडो कंपनीज बनाई और उस कंपनी को लोन बांटा, मतलब अपने ही बैंक से, मतलब अपनी ही कंपनी से पैसा निकाल कर खुद के यूज में इन्होंने पैसों को खर्च किया है और उसका कोई डेटा इन्होंने दिखाया नहीं है। डेटा में ये दिखाया कि भैया इन्होंने इतने इतने लोन बांटे इसको, जबकि वो एग्जिस्टेड थे ही नहीं, शेल कंपनी इन्होंने बनाई। ईडी हैज टोल्ड डेडिकेटेड कॉर्ड डीलिंग विद द मनी लॉन्ड्रिंग ऑफेंस दैट ₹12,773 करोड़ वॉज इलीजली शिप्ड ऑफ ओवर द पास्ट डेकेड फ्रॉम डीएचएफएल थ्रू अबाउट 1 लाख, देखिए 1 लाख से ज्यादा बोरोविंग, 1 लाख से ज्यादा बोरोवर के नाम यहाँ पर रखे और क्रिएट किए मनी को 80 शेल कंपनीज के द्वारा। 80 शेल कंपनीज में इतना सारा पैसा बांटा और उसके द्वारा 1 लाख ऐसे फेक बोरोवर्स को इन्होंने ये पैसा बांटा, मतलब खुद ही पैसा इन्होंने पूरा का पूरा ले लिया। तो ये पूरा मामला है। और एक और मामला जो इनके साथ जुड़ा हुआ है वो है इकबाल मिर्ची का मामला। अंडरवर्ल्ड से भी इनके काफी सारे तार जुड़े हुए निकले। तो डेफिनेटली ये चीजें यहाँ पर रुकने वाली नहीं है और शेयर्स और ज्यादा नीचे तक टूट सकता है, उसकी बहुत बड़ी संभावना और भी ज्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि डीएचएफएल बहुत ही कम प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो याद रखिए इससे भी ज्यादा कम प्राइस के ऊपर आने वाले दिनों में आपको डीएचएफएल का शेयर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। 427 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक बन चुका है ये, और ट्रेडिंग भी आप देखिए नहीं हो रही है। 15 लाख की ही ट्रेडिंग एनएससी में देखने को मिली है। सितंबर क्वार्टर के लेकिन जो नतीजा है आप खुद देखिए, 6,700 करोड़ का लॉस इन्होंने बुक किया है, 6,700 करोड़ का लॉस इन्होंने बुक किया है। तो ये भी अब कंपनी के पास पैसा नहीं है उतना, प्रमोटर के पास 39% की होल्डिंग है, उसमें भी सारी की सारी होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा गिरवी रखी हुई है और डिविडेंड भी पे नहीं कर रहा है। 2018 में इन्होंने डिविडेंड पे किया था 25% का, मतलब ₹2.5 पर शेयर का डिविडेंड पे किया था, उसके बाद से डिविडेंड भी पे नहीं किया है। टेक्निकल रेटिंग्स भी आप देखेंगे उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है और अभी भी रियली आई एम शॉक्ड के 67% लोग इसमें खरीदारी करने के लिए कह रहे हैं, 33% लोग इसमें बेचने के लिए कह रहे हैं और 0% लोग इसमें होल्ड करने के लिए कह रहे हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा इनके ऊपर चढ़ चुका है और आप खुद देखेंगे पिछले 3 क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं
पहले मार्च 2019 में 2230 करोड़ के आसपास का इन्होंने लॉस बुक किया, उसके बाद 206 करोड़ का लॉस बुक, अब 6700 करोड़ का लॉस इन्होंने बुक किया है। और जब इनके दिसंबर क्वार्टर के जब नतीजे आएंगे, अभी तक आगे कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन अगर नतीजे आएंगे तो वो भी उतने अच्छे नहीं होंगे, ऐसी भी काफी ज्यादा उम्मीद की जा रही है हाल फिलहाल में। तो मैं यही कहूंगा कि कंपनी में अभी कुछ भी बचा नहीं है, तो इसको ना ही खरीदे तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए ये शेयर और ज्यादा नीचे धस सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी इनके साथ जुड़ चुकी है, कंपनी के ऊपर कर्जा इतना ज्यादा हो चुका है, इतना ज्यादा हो चुका है कि ये अब उससे बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, और असेट्स उतने ज्यादा यहाँ पर इनके पास बचे नहीं होंगे जितना कर्जा यहाँ पर है। तो मैं यही कहूंगा कि लालच में आकर खरीदारी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए आप ये लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगा रहा है, अभी आपके पास खरीदने के बहुत चांस है, लेकिन लेकिन जैसे ही ये अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको खरीद लेते हैं ठीक है, तो बाद में आप इसको बेच नहीं पाएंगे क्योंकि कोई खरीदेगा ही नहीं इसको। आप अगर प्राइस चार्ट भी देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि फ्लैट दिखाई दे रहा है, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं था। तो मैं यही कहूंगा कि जल्दबाजी इसमें बिल्कुल भी ना करें, और ना और लेकिन हाँ ट्रैक जरूर करते रहिए, लेकिन जल्दबाजी ना करें खरीदारी करने की, क्योंकि तो शेयर और ज्यादा नीचे तक धस सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।